थाना शाह लतीफ की हुदूद यार मोहम्मद गोट की मकीन दो बहनें 14 साल सुमेरा यासीन और 17 साल सलमा यासीन अपने वालिद यासीन कोराई के खिलाफ ज्यादती का इल्जाम लगाते हुए शाह लतीफ थाने पहुंच गईं। इस सिलसिले में सलमा यासीन ने साफियों को बताया कि मेरे वालिद ने मेरे साथ 3 मरतबा ज्यादती करने की कोशिश की, जिस पर मजाहमत की, जिसके बाद यासीन कोराई ने मुख्तलिफ वक्तों पर गोट ले जाने के बहाने हमारी छोटी बहन 14 साल सुमेरा यासीन को तशद्दुद करके ज्यादती का निशाना बनाता रहा। जो मेरी बहन ने गोट से वापस आने के बाद मुझे बताया तो हमने उसका जिक्र अपनी वालदा से किया। वालदा से जिक्र करने का पता चलने पर हमारे वालिद ने मेरी वालदा और हम सब पर सख्त तशद्दुद किया। उन्होंने कहा कि कुछ रोज कबल मेरी बहन सुमेरा की तबीयत खराब होने पर डॉक्टर के पास जाकर चेकअप कराया तो पता चला कि हमारी बहन 3 माह से पेट से है। हमारा वालिद हमें नाजायज ताल्लुकात की बात किसी से भी करने के खौफ से हम पर सख्त तशद्दुद करता है। हमारे साथ इंसाफ किया जाए और हमारे वालिद पर मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया जाए। इस सिलसिले में राब्ता करने पर SHO शाह लतीफ आमिर रफीक ने बताया कि सलमा और सुमेरा अपनी वालदा और भाई के साथ शाह लतीफ थाने पर पहुंची हैं, जिसके बाद पुलिस ने जवाबदार यासीन कोराई की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा, लेकिन जवाबदार फरार होने में कामयाब हो गया, जिसकी तलाश जारी है। जवाबदार के खिलाफ ज्यादती की FIR दर्ज कर रहे हैं। दूसरी जानिब मुबैना ज्यादती के इल्जाम में नामजद मुलजिम यासीन कोराई के हवाले से मालूम हुआ है कि वो जाली आलिम और तावीज और जिन्नात निकालने का काम भी करता है, जबकि वो मोरो शहर का रिहायशी बताया जा रहा है। रिपोर्ट नबील मिर्जत, एकता TV न्यूज, मलिर, कराची। टू वॉच मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन।